जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इस छोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या दिया हुआ है। आकृति 6.14, ये जो आप फिगर देख रहे हैं बोर्ड पे, ये है आकृति 6.14 में रेखाएं यक्स वाई। देखिए, एक रेखा है यक्स वाई और यमयन, एक दूसरी रेखा है यमयन जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये जो पी ओ वाई है ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि किसी भी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए अगर ये 90 अंश का होगा तो ये भी पूरा कोण यानी ए और बी का जो जोड़ होगा ये भी 90 अंश का होगा। तो ये पूरे दोनों पूरे कोण का योग 180 अंश हो जाएगा। तो एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। तो सी का मान आपसे पूछा जा रहा है, कोण सी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चले देखते हैं कोण सी क्या है, आप देखें। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए कि एंगल यक्स ओ वाई 180 अंश का होगा क्योंकि ये रैखिक कोण है। एंगल यक्स ओ वाई इज इक्वल टू 180 अंश। और 180 अंश क्यों है, यहाँ हम किनारे लिख देंगे रैखिक कोण, इसका कारण यही है। अब आप देखें यह पूरा कोण 180 अंश है। तो 100 इस पूरे कोण को दो भागों में बांटा गया है, एक कोण है पी ओ एक्स और दूसरा कोण है पी ओ वाई। तो यहाँ लिख देंगे एंगल, हाँ देखें, एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब इन दोनों को जोड़े हैं तो दोनों का जोड़ एंगल एक्स ओ वाई के इक्वल होगा। अब एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई की वैल्यू आपको दी गई है 90 डिग्री, ये इज इक्वल टू है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी ओ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। अब 180 से 90 माइनस करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए इस पी ओ एक्स में दो कोण हैं ए और बी, तो फिर यहाँ से पी ओ एक्स के जगह पे हो जाएगा ए प्लस बी और ये इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। लेकिन देखिए क्वेश्चन में आपसे दिया है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। तो रेशियो का मतलब बटा होता है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ए बाई बी इज इक्वल टू 2:3। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू ज्ञात करें तो बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा 2:3 बी। अब हम चाहें तो ए का मान इसमें रख सकते हैं, तो चलिए अब हम रख देते हैं। तो ए के जगह पे रख देते हैं 2:3 बी
प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए 3 में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b, तो 3b प्लस 2b हो जाएगा 5b बाई 3 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से b की वैल्यू हम निकालें, b की वैल्यू निकाला जाए तो b इज इक्वल टू 90 और इनटू हो जाएगा यहाँ 3 और फिर अपान हो जाएगा यहाँ 5। अब 5 से हम कटाएंगे, देखें 5 से 90 कट जाएगा, तो 5 से 90 कटेगा, 5 से आप भाग देते हैं तो फिर ये हो जाएगा 18, 18 पचास 90 होता है, और फिर 18 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 या 54 यानी 54 डिग्री। तो एंगल बी का मान निकल गया 54 डिग्री। लेकिन जानते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे एंगल सी का मान पूछा जा रहा है, इसलिए देखें अब हम इस कोण को देखेंगे, ये पूरा कोण ये भी रैखिक कोण है। प्रश्न में दिया है कि यमयन रेखा है और रेखा के एक तरफ बनने वाला कोण रैखिक कोण होता है और रैखिक कोण का मान 180 अंश के बराबर होता है। अब हम यहाँ लिख देंगे एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ भी हम लिख देंगे रैखिक कोण, ये रैखिक कोण है। अब देखिए तो एंगल एम ओ एन, एम ओ एन में एंगल बी भी है और एंगल सी भी है, तो एम ओ एन के जगह पर हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी का मान हमको ज्ञात करना है तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 और माइनस हो जाएगा बी, तो सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस बी की वैल्यू है 54 डिग्री। तो अब 180 में से आप 54 को घटा दें तो ये हो जाएगा आपका 126 डिग्री। एंगल सी का मान आपसे पूछा जा रहा था और इस प्रकार एंगल सी का जो मान है ये ज्ञात हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है चित्र आकृति 6.15, ये जो आकृति देख रहे हैं ये 6.15 है। आकृति 6.15 में एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, तो आपको सिद्ध करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो चलिए हम लोग पहले लिखेंगे, प्रश्न में जो चीज़ दी गई होती है उसको अपने रूप में लिखा जाता है। अभी तो हमने नोट किया है कि प्रश्न में क्या दिया है, तो लिखा जाएगा दिया है या ज्ञात है लिख सकते हैं, दिया है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब हम यहाँ से प्रूफ करना शुरू करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ किया जाएगा। एक चीज़ आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, ये पूरा एंगल देखिए ये रैखिक कोण है, तो रैखिक कोण हमेशा 180 अंश का होता है। तो अब देखें यहाँ पर लिखा जाएगा कि एंगल पी क्यू, पहले तो पूरे कोण को हम देखते हैं, लिखेंगे एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका कारण भी लिख देंगे कि 180 डिग्री क्यों है। यहाँ किनारे लिख देंगे आप रैखिक कोण। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब ये एंगल जो है यह दो पार्ट में हो गया, और देखें दो पार्ट में क्या होगा, एक होगा एंगल पी क्यू एस और दूसरा होगा एंगल पी क्यू आर। यहाँ लिख देंगे एंगल पी क्यू एस और दूसरा होगा एंगल पी क्यू आर। हाँ देखें, एंगल पी क्यू, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल ये हो जाएगा प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर वन। अब अगर हम यहाँ देखते हैं, देखिए ये एंगल तो ये भी रैखिक कोण है, और रैखिक कोण 180 अंश का होता है, यानी एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ भी इसका कारण हम लोग लिख देंगे कि यह रैखिक कोण है। अब हम करेंगे क्या, देखिए इस कोण को हम दो पार्ट में बांट देंगे, एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल पी आर टी। लिख देते हैं एंगल पी आर क्यू और प्लस हो जाएगा एंगल पी आर एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू, एंगल पी आर टी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना करते हैं। देखिए समीकरण एक और दो की तुलना करेंगे तो दोनों का जो राइट साइड है वो समान है, तो राइट साइड समान है तो लेफ्ट साइड भी समान हो जाएगा। लिख देंगे समीकरण एक एवं समीकरण दो की तुलना करने पर, समीकरण एक एवं समीकरण दो की तुलना करने पर, तुलना कर देते हैं तो देखिए दोनों का राइट साइड 180 है, तो लेफ्ट दोनों का राइट साइड बराबर हो गया, तो लेफ्ट साइड को हम बराबर कर देंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, और फिर ये एंगल हो जाएगा पी आर क्यू प्लस एंगल हो जाएगा पी आर टी। लेकिन देखें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के बराबर है, तो देखिए हम करते क्या हैं कि पी क्यू आर के जगह पे पी आर क्यू रख देंगे। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर के जगह पर एंगल हम रख देंगे पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब आप देखिए, अब इधर भी पी आर क्यू है, इधर भी पी आर क्यू है, तो पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कि क्या बच रहा है, तो एंगल पी क्यू एस और इधर बच रहा है एंगल पी आर टी, ये हो गया एंगल पी आर टी। और देखिए यही सिद्ध करना था हम लोगों को कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड, तो दैट प्रूव्ड का मतलब होता है यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री, ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आपसे एग्जाम में तो पूछे भी जाते हैं, आगे कंपटीशन वगैरह में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।